यहाँ पे मालिंग नाला करके होता है, कहाँ पर है? इनलैंडा फ्लामा डोनाट बी गामा। नागो तक कैसे पहुंचा हूं ये जानना चाहते हो तो प्रीवियस व्लॉग देख लीजिए। यहाँ बहुत ठंड पड़ रहा है, इसी रास्ते से मैंने आया था कल। इस रास्ते से ऐसा आके वहाँ पे बाइक पार्किंग किया था, इसी होटल में मैंने स्टे किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, पूरा स्नो कवर्ड है। आंटी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल? ठीक है जी। क्या बना रही हो सुबह सुबह? ये थोड़ा ये बच्ची लड़का को रोटी गरम करके दे रहा हूँ जी। अच्छा, ये आपका लड़का है? हाँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? राजन। हाँ राजन, कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? अंकल दूध बन गया? दूध बन गया जी। चलो दे दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या है अंकुल? ये माने है, इसके अंदर बहुत सारे मंत्र डाले होते हैं इसके अंदर करोड़ों के हिसाब से। तो इसको घुमाने से जो है हमारे पाप जो है कम हो जाते हैं और अच्छे पुण्य का रास्ता होता है, पुण्य मिलता है। अच्छा ओके, ऑल राइट, आज की रेड शुरू करते हैं। यहाँ पे तो बहुत ठंड है, टाइम अभी लगभग 8:45 हो रहा है। यहाँ का टेम्परेचर आप देख लीजिए एक बार, -14 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाप रे बाप, इसलिए आप तो सुन पड़ रहे हैं। आज की हमारा डेस्टिनेशन है काजा, नाको टू काजा। अभी मैं नाको में हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। यहाँ से काजा जो है 115 किलोमीटर है, 3.5 घंटे का रास्ता बता रहे हैं गूगल के अकॉर्डिंग। हेलो, क्या नाम बताया तुम्हारा? राजेश। राजन, नेपाल से यहाँ तक कैसे आ गए यार तुम? ओके, अच्छा रोड कंस्ट्रक्शन का काम है। ओके ओके ओके, ठीक है आंटी, धन्यवाद। हाँ ओके अंकल बाय, मिलते हैं आपस में। एक्चुअली कल रात को मैंने राइड किया था, इसलिए कुछ पता नहीं चला। यहाँ पे रास्ता तो बहुत बेहतरीन लग रहा है, रात के राइड के कारण कुछ पता नहीं चल रहा था मुझे। यहाँ पे तो सामने पहाड़ी पहाड़ है। एक्चुअली नाको हाइट पे है, 12,000 फीट की हाइट पे है। सामने देखिए शानदार व्यू। मेनली आइस जो है पहाड़ के ऊपर ही है, चोटी पे आइस जो है वो जमा हुआ है, नीचे तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ रहा है। ऑलरेडी आपने टेम्परेचर भी देख लिया था, -14 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है यहाँ पे। वेलकम टू नाको विलेज। ये है नाको विलेज, हमको एक्चुअली यहीं पे स्टे लेना चाहिए था अंदर जाके, मगर आप जानते हो कल रात को मैंने पहुंचा था यहाँ पे नाको, यहाँ तक मैंने पहुंच नहीं पाया था, तुरंत तुरंत मुझे वहाँ पे स्टे लेना पड़ा। बहुत सुंदर है नाको विलेज, चारों तरफ पहाड़ी है पहाड़ है। रास्ता देखिए कितना शानदार बना हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है हम स्पीति में राइड कर रहे हैं। यहाँ पे रास्ते पे कुत्ता भी आ गया। एक्चुअली बहुत सड़क बन चुका है, अभी तक तो रास्ता बढ़िया है। वहाँ पे सामने आप देख सकते हो कोई मॉनेस्ट्री टाइप का लग रहा है मुझे, पहाड़ के ऊपर बना हुआ है।
यहाँ पे मालिंग नाला करके होता है, कहाँ पर है ये, कहाँ पर है नाला, कहाँ पर है आगे? अच्छा हाँ मालिंग नाला। किलोमीटर्स 10.200 गणेश नमः। चलिए चलते हैं, हमको तो काजा तक पहुंचना है आज। यहाँ पे थोड़ा सा रोड के कंस्ट्रक्शन काम की वजह से पूरा ऑफ रोडिंग टाइप का हो गया। अभी तक तो अच्छा ही रास्ता था, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं था, बस इस एरिया में थोड़ा सा मुझे ऑफ रोडिंग टाइप का लग रहा है। सामने आप देख सकते हो मालिंग नाला पूरा जम चुका है। राइट साइड में देखिए यहाँ पे आइस दिख रहा है आपको, जमा हुआ आइस। आगे भी जो है वाइट वाइट टाइप का जो आपको दिख रहा है वो भी मालिंग नाला का फ्लो है, वो एक्चुअली जम चुका है, अभी विंटर सीजन है ना इसलिए जम गया। देखिए राइट साइड में पूरा जमा हुआ है भाई। यही है क्या मालिंग नाला? पूरा फ्रीज हो गया, पूरा फ्रीज हो गया ना? नहीं तो ये पूरा वाटर रहता है। या कहाँ से कहाँ तक वाटर रहता है? वहाँ यहाँ से वो मंदिर तक पानी पानी रहेगा। ओके देखिए पूरा वाइट वाइट है राइट साइड में। यहाँ पे तो रास्ता खतरनाक होता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आगे बहुत दूर तक मुझे ऑफ रोडिंग ही नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो बहुत बड़ा खाई है, तो उस तरफ देखने में मुझे तो डर लग रहा है। जैन साहब यहाँ पे रास्ता देखिए कितना खतरनाक है, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो गया तो फिर नीचे खाई पे चले जाएंगे। भैया एक मिनट, लेफ्ट साइड में देखिए कितना बड़ा खाई है, बाप रे बाप भयंकर है। मुझे तो उस तरफ देखने में ही डर लग रहा है, इसलिए मैं उस तरफ देख ही नहीं रहा हूँ। जैन सर यहाँ पे रास्ता डीप स्लोप फॉर्म में है, नीचे की तरफ जा रहा है, बहुत स्टीप है, थोड़ा सा केयरफुली चलाना होगा। In land of llama, do not be gama. ये पूरा रास्ता ऑफ रोडिंग ही है। ऑफ रोडिंग इसलिए है, पूरा रोड के एक्सटेंशन का काम चल रहा है इसलिए ऑफ रोडिंग आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो सतलुज रिवर, वो पहाड़ के साइड बाय साइड कैसे आ रहे हैं देखिए, शानदार व्यू है। ये सतलुज रिवर जो है आगे जाके सतलुज और स्पीति का संगम रहेगा। यहीं सर गेंद सर जैन सर बहुत सारे आर्मी ट्रक्स आ रहे हैं, यहाँ पे साइड में रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इन लोगों को निकलने देते हैं। जैन सर आर्मी वालों को मैं जय हिंद बोल रहा हूँ, वो लोग भी मुझे हाथ दिखा रहे हैं। जैन सर चलिए फिर निकलते हैं धीरे धीरे। ये देखिए सामने हिमाचल रोड ट्रांसपोर्टेशन का गवर्नमेंट का बस आ रहा है। बाप रे बाप देखिए कितना धूल उड़ाया, पूरा पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। वो
पूरा देखिए रोड का कंस्ट्रक्शन की वजह से रास्ता खराब दिख रहे हैं। राइट साइड में आप देख सकते हो पत्थर ही पत्थर है हर जगह। लेफ्ट में तो बहुत बड़ा खाई है, यहाँ पे बिल्कुल ब्रेक यूज़ नहीं करना है। अगर ब्रेक यूज़ करेंगे तो सीधा खाई पे चला जाएगा बाइक किडो के। बाइक पता नहीं अचानक से बंद हो गया, एक बार चेक करता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले में मैसेज आ रहा है हाईएस्ट कूलेंट टेम्परेचर करके, शायद गर्म हो गया होगा इंजन। बंद हो गई गाड़ी। हाँ पेट्रोल, पेट्रोल सब कुछ है, कूलेट खत्म हो गया। कहाँ जा? ये रास्ता देखिए पूरा ऑफ रोडिंग है, नीचे तक सांप के जैसा लग रहा है पूरा रास्ता, कंप्लीट ऑफ रोडिंग है। उस वाले पहाड़ी के ऊपर जाना होगा हमको, वो रास्ता भी मुझे खराब ही लग रहा है, पूरा ऑफ रोडिंग है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ये ऑफ रोडिंग नहीं है, ओरिजिनली कुछ रास्ता वास्ता बना हुआ होगा, मगर ये रोड एक्सटेंशन का काम की वजह से पूरा रास्ता जो है ऑफ रोडिंग जैसा हो गया। हो सकता है एक दो साल में रास्ता बन जाएगा तो फिर कोई टेंशन नहीं होगा। अभी बाइक चालू हुआ इसलिए मैं निकल पड़ा हूँ, थोड़ी देर रेस्ट दिया था, रेस्ट देने के बाद अपने आप चालू हो गया था। पता नहीं ऐसा ही अगर कंटिन्यू होता रहेगा तो मैं काजा पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा कुछ कह नहीं सकते हैं। ये कूलेंट का इश्यू आ रहा है, हाईएस्ट कूलेंट टेम्परेचर ऐसा डिस्प्ले में आ रहा है, इसको एक बार देखना पड़ेगा, शोरूम वाले से बात करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ऑफ रोडिंग मैं कवर करने के बाद, नीचे उतरने के बाद एक बार शोरूम वाले को कॉल करता हूँ, वो लोग क्या बोलते हैं देखते हैं। अभी तो चलाना ही पड़ेगा हमको किसी भी तरीके से, नीचे तक तो जाना ही होगा। अभी हम हाइट पे हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर में संधू करके आएगा, चेक पोस्ट रहेगा वहाँ पे, उसके बाद स्पीति वैली चालू होता है। अभी भी हम किन्नौर वैली के अंदर ही आएगा ये नाको भी। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली उतारना पड़ेगा क्योंकि छोटे छोटे पत्थर हैं, इसके कारण बाइक स्किड होने के चांस ज़्यादा रहता है। अगर एक बार बाइक स्किड हो गया तो इसको उठाने में बहुत ताकत लगता है, तो अकेले में उठाने में तो हालत ख़राब हो जाएगा क्योंकि पीछे लगेज भी है ना, इसके कारण बाइक भी हैवी है और पीछे लगेज भी है, अगर एक बार गिर गया तो फिर हालत ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रास्ता है बीच में, ये रोड एक्सटेंशन के कारण ये पूरा ऑफ रोडिंग बन गया, पता नहीं कितने साल लगेगा नया रोड बनने में, मगर नया रोड बनेगा तो बहुत शानदार लगेगा। व्यू तो एक नंबर है यहाँ का, रास्ता तो खराब है मगर व्यूज तो एक नंबर है। एक्चुअली मैंने इस राइड को आने से पहले रालको का स्पीड ब्लास्टर करके ऑफ रोडिंग टायर्स लगवाया हूँ, इसके कारण मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिल रहा है। इससे पहले स्टॉक टायर्स था, जब मैं नॉर्थ ईस्ट राइड किया था उस समय मैंने टायर्स चेंज नहीं किया था, उस समय तो मैं एक दो बार गिर गया था छोटे छोटे पत्थर के कारण। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा केयरफुली उतारना पड़ेगा, ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं इसके कारण बाइक स्किड कर जाता है, मगर ये जो रालको टायर्स के कारण मुझे बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस मिल रहा है।
उस वाले नॉर्थ ईस्ट राइड में स्टॉक टायर्स के साथ मैंने राइड किया था, तो उसमें एक दो बार गिर गया था मैंने ऐसे ही गुरुदंग मोरले जाते वक्त तवांग में। ये जगह का नाम क्या है? चांगो। इस एरिया का नाम है चांगो, नाको से 22 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। यहाँ पे एक मैकेनिक मिल गया, उनको बाइक दिखा रहा हूँ और वहाँ पे कैमरा भी धूप में रखा हूँ क्योंकि लेंस के ऊपर फॉग जमा हुआ है। देखते हैं मैकेनिक क्या बोलते हैं और शोरूम वाले पे भी बात करूंगा क्यों ऐसा बंद हो रहा है। ठीक है भैया। एक्चुअली इस मैकेनिक को कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं उदयपुर शोरूम वाले से बात किया था, उन लोगों ने मुझे कुछ फैन का वायर डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा था, अभी इस मैकेनिक से वो मैंने डिस्कनेक्ट करवाया हूँ। आपको पता ही होगा उदयपुर व्लॉग अगर आपने देख लिया होगा तो पता ही होगा, उस समय भी मेरा बाइक ट्रबल दिया था, बंद हो गया था बाइक, तो वाल्व में दिक्कत आया था, उदयपुर शोरूम से मैंने करवाया था। वो सब आपको डिटेल्स उदयपुर व्लॉग देखोगे तो पता चल जाएगा, इसलिए उन्हीं लोगों को मैंने कॉल किया था, उन लोगों ने यही सजेशन दिया था। हम क्या कर सकते हैं, वो लोग सजेशन जो देंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा, हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। लेफ्ट साइड में पूरा सतलुज रिवर है, ये आगे जाके स्पीति वैली से मिलेगा संधू क्रॉस करने के बाद। अभी यहाँ से संधू 20 किलोमीटर है। क्या है? अच्छा एप्पल दे रही हो खाने के लिए? थैंक यू वेरी मच। ये लोग देखिए कितने अच्छे लोग हैं, हमको एप्पल भी दे रहे हैं खाने के लिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रैफिक रुक गया। संधू यहाँ से 10 किलोमीटर है चेक पोस्ट, ये संधू चेक पोस्ट है, यहाँ पे बाइक एंट्री करवाया हूँ। फिर यहाँ से स्पीति वैली चालू होगा ये संधू चेक पोस्ट के बाद। यहाँ पे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं है, बस बाइक का एंट्री किया है।